इस तरह से ये आपको हम अभी थोड़ी देर में दे देंगे। हम हर बार आएंगे, आप तो घास वाले वहाँ पर खड़ा रहे। या समय ज्यादा लगता है, लिवर की समस्या रहती है, तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये कुछ कृषि यंत्र आप लोगों के उपयोग हेतु हम लोग आप लोगों को निवेदन है। आप भी दुभाग मत किया करो कि मोड़ा है तो निपनिया दूध दे दो और मोड़ी है पानी मिला के दे दो। ऐसा नहीं है, बेटी लक्ष्मी होती है घर की। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवताओं का वास सिर्फ वहीं पे होता है जहाँ औरत का सम्मान होता है, पत्नी का सम्मान होता है, बेटी का सम्मान होता है, अन्यथा लक्ष्मी का वास हो ही नहीं सकता। आप ये तय मान के चलिए, नारी कैसे आगे बढ़े उसकी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री से लेके हमारे मुख्यमंत्री तक आज बैठे, उसी का छोटा सा प्रतिफल है। आप इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित हो। बहुत सारी मेरे आने के पहले और मेरे जाने के बाद घास की प्रजातियों के बारे में आपको बताया होगा, और भी बताएंगे। यहाँ पे यंत्र भी आपको दिए जा रहे हैं कि इतने प्रकार का घास होता है, ये आपको आके यहीं पर पता चलेगा। और अकेली ये घास कॉमन चीज नहीं है, ये हमारे उद्योग का सहारा बनता है। ये अब जब पशुओं के लिए हर महीना पैदा होने वाला घास होगा, बिना पानी से पैदा होने वाला घास होगा, तो हमारे यहाँ दूध का उत्पादन बढ़ेगा। हमारा दतिया दूध के क्षेत्र में आगे आए, ये उसी की एक छोटी सी कल्पना भर है। अभी 4-5 गांव लिए, उसके बाद 40 गांव लेने वाले हैं। 40 गांव अपनी विधानसभा क्षेत्र के जैसे ही आएंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। और निश्चित रूप से मैं घोष साहब को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी दतिया विधानसभा को इस काम के लिए चुना। घोष साहब को भी और उनकी टीम को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए हमारी दतिया विधानसभा को चुना। हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दतिया हमारा विकास में बढ़ता चले।